ऑलराइट, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एकदम ही लोएस्ट बजट के स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको 7000 या फिर उससे अराउंड के प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी है। तो अगर आप लोग 7000 में एक अच्छा फ़ोन खरीदना चाहते हैं नवंबर 2021 में, तो गाइस ये जो चार स्मार्टफोन मैंने सिलेक्ट किए हैं वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आगे भी ऐसे वीडियोस और ऐसा ही कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे भी हम लोग 60000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। खैर चलिए सीधा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चार फोन है और यहाँ पर हमने दोस्तों रैंकिंग भी की हुई है। तो जो पहले नंबर वाला स्मार्टफोन है वो सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, तो तब तक आप वीडियो में ज़रूर से रुकना। तो यहाँ पर जो चौथे नंबर का स्मार्टफोन है ये है दोस्तों Redmi 9A, और यहाँ पर आपको 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 7000 रुपये में देखने को मिलता है। और फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूँ तो 6.5 इंचेस की यहाँ पर HD+ की LCD डिस्प्ले है, कोई फिंगरप्रिंट आपको नहीं मिलता है, Helio G25 प्रोसेसर है, डिसेंट है, नॉर्मल गेमिंग वगैरह यहाँ पर आप इजीली कर पाएंगे, डे टू डे यूजेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर कैमराज की बात करूँ तो पीछे की साइड में सिर्फ सिंगल कैमरा है, एक ही कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, और फ्रंट साइड में सेल्फी कैमरा भी आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी है, 10W का चार्जर है। तो अगर गाइस डे टू डे यूजेस के लिए आप एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो फिर ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और वैसे भी दोस्तों 7000 की प्राइस रेंज में गेमिंग वगैरह आप यहाँ पर उतनी बढ़िया कर नहीं पाते हैं जो आपको 15-20000 में गेमिंग देखने को मिलती है, कि उतने पावरफुल प्रोसेसर आपको 7000 में तो गाइस वैसे भी नहीं मिलते हैं। लेकिन ये जो Helio G25 है ये थोड़ा सा कैपेबल ज़रूर है, तो नॉर्मल एकदम लोएस्ट सेटिंग पर आप गेमिंग कर पाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा वेरी हाई सेटिंग पर आप खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको लैग वगैरह देखने को मिल सकता है, अदरवाइज़ दोस्तों फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त है। अब लिस्ट में जो दोस्तों नंबर 3 पर स्मार्टफोन है ये है Realme C20। यहाँ पर आपको 7500 रुपये में 2GB और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट मिलता है, तो 500 रुपये से प्राइस ज़्यादा है, लेकिन ऑफ़र वगैरह में ये आपको थोड़ा सा सस्ता भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बाकी के फीचर्स की इस फ़ोन के बात करूँ तो 6.5 इंचेस की यहाँ पर भी आपको HD+ LCD डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पर भी कोई फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं है, लेकिन फेस अनलॉक यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा बात करूँ फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो Helio G35 का प्रोसेसर आपको दिया गया है, जो कि G25 से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो G25 से काफ़ी पावरफुल है, इसका मतलब यहाँ पर गेमिंग अच्छी खासी कर पाएंगे आप। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको पीछे की साइड में सिर्फ एक ही कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का, और फ्रंट साइड में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। डिसेंट कैमरा सेटअप है, वैसे भी 7000 में आपको ऐसे ही कैमरे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 5000mAh बैटरी है, 10W का चार्जर है। तो ओवरऑल दोस्तों ये फ़ोन भी आपको डे टू डे यूजेस के लिए ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। बाकी यहाँ पर जो पहला स्मार्टफोन था दोस्तों Redmi 9A, उससे तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बूस्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि G25 से Helio G35 दोस्तों काफ़ी पावरफुल है। तो यहाँ पर गेमिंग वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फ़ोन आपका लैग नहीं करेगा और ना ही हैंग होगा, तो ऐसी कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल ये डील भी दोस्तों 7500 रुपये में आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त बन सकती है। अब लिस्ट में जो दोस्तों दूसरे नंबर का फ़ोन है ये है Infinix Smart 5। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट 7000 रुपये में दोस्तों 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। और इसके बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूँ तो 6.8 इंचेस की यहाँ पर आपको एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, HD+ की LCD डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है, रियर साइड में बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक देखने को मिलता है। और ये फ़ोन भी आता है Helio G25 प्रोसेसर पर, तो यहाँ पर भी आप एकदम लो सेटिंग में ही गेमिंग कर पाएंगे। और मेरी सजेशन तो यही है कि आप बिल्कुल गेमिंग न करें, लाइक जो PUBG है उस तरीके की गेम आप यहाँ पर न खेलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा कैमराज की बात करूँ तो 2 कैमरे आपको पीछे की साइड में दिए गए हैं, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, इसके अलावा एक लो लाइट सेंसर है 2 मेगापिक्सल का, और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिलता है फ्रंट साइड में। इसके अलावा 6000mAh की एक बड़ी बैटरी है, 10W की चार्जिंग का सपोर्ट है, 6000mAh है तो दोस्तों दो दिन का आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो 7000 की प्राइस रेंज में दोस्तों आई थिंक इस फोन में जो आपको डिस्प्ले प्रोवाइड की है 6.8 इंच की बड़ी डिस्प्ले,
इतनी बड़ी डिस्प्ले आपको दूसरे किसी भी फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप एक बड़ी डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहते हैं, मूवीज़ वगैरह आपको देखना पसंद है, डे टू डे यूजेस के लिए एक फ़ोन खरीदना चाहते हैं, तो बड़ी डिस्प्ले होने की वजह से आपको मूवीज़ वगैरह देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये जो डील है वो भी गाइज आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त बन सकती है 7000 की प्राइस रेंज में। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों लिस्ट के नंबर 1 स्मार्टफोन की, और अच्छी बात ये है कि ये दोस्तों इंडियन कंपनी की तरफ से आता है लावा Z2। यहाँ पर भी आपको 7000 रुपये में दोस्तों 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। और बाकी के फीचर्स की यहाँ पर बात करूँ तो 6.5 इंचेस की HD+ की LCD डिस्प्ले है। इसके अलावा यहाँ पर फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिलता है और फेस अनलॉक भी नहीं है। लेकिन इसे नंबर 1 पर रखने का रीज़न है कि ये दोस्तों यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर है वो हीलियो G35 देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कैमरा है वो इस फ़ोन का दोस्तों काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पीछे की साइड में 2 कैमरे दिए गए हैं। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 2 मेगापिक्सल का एक और सेंसर है, और सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी है, 10W का चार्जर है। तो ओवरऑल फ़ोन दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है, और अगर आप एक इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन बन सकता है। वैसे जो ये चारों फ़ोन मैंने बताए उनमें दोस्तों आप गेमिंग बिल्कुल ना ही करें तो अच्छा होगा। वैसे जो हीलियो G35 है थोड़ा सा कैपेबल ज़रूर है, लो सेटिंग पर आप गेमिंग कर पाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको 7000 में वैसे गेमिंग करने का मज़ा नहीं आएगा जो कि 10-12-15000 वाले फ़ोन में आता है। लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं तो लो सेटिंग पर गेमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जो चारों फ़ोन हैं उनमें से डे टू डे यूजेस में दोस्तों आपको कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, और चारों में से कोई भी फ़ोन हैंग भी नहीं होगा, तो ऐसी कोई दिक्कत यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चार फ़ोन है दोस्तों जो 7000 में इस टाइम पर आते हैं और आपके लिए वैल्यू फॉर मनी भी हो सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा फ़ोन आपको पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, आगे भी ऐसे और वीडियोज़ आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसे ही वीडियोज़ यहाँ पर आपको डेली देखने को मिलते रहेंगे। खैर हम मिलते हैं किसी अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।